नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। झूठ पर झूठ, एक और झूठ, इतना भी झूठ ना बोल कि सच को बताने में भी शर्म आ जाए। चीन झूठ के फसाने गाते जा रहा है। अपने आप को विकसित कहने वाला चीन का सच आज दुनिया के सामने है। चीनी सामान की तरह चीनी विकास भी धड़ाम से नीचे गिर गया। लगता है कि जिनपिंग आजकल इमरान खान से ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो कटोरा खान की तरह वो भी बस बकवास करते हैं। चीनी अखबारों ने तो हमारे नेताओं के जुमले को भी फेल कर दिया। इतना तो शशि थरूर और ओवैसी जैसे नेता भी अपने बयानों में नहीं बोलते जितना चीनी अखबार अपने हेडलाइंस में बोलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि चीनी सैनिक राहुल गांधी से सीख रहे हों और ज़्यादा सीखने के चक्कर में कागज लेकर भारतीय सीमा में चलाया। हाल ही में चीन ने भारतीय सेना का मजाक उड़ाते हुए एक वीडियो रिलीज किया था। चीन का दावा था कि हम अपने सैनिकों को गर्म खाना पहुंचा रहे हैं, वो भी ड्रोन से। उनका कहना था कि भारतीय सैनिक ऐसा गर्म खाना खाने को तरसते हैं, उनके नसीब में ऐसा गर्म खाना नहीं है। इतना गर्म खाना चीन ने अपने सैनिकों को दिया कि वो ठंड ही नहीं झेल पा रहे। लद्दाख की ठंड ने उनके लिए कब्र खोद दी है। अभी हाल ही में एक तस्वीर सामने आई थी जब चीनी सैनिक अपने घायल सैनिकों को लेकर जा रहे थे। सैनिक बॉर्डर पर मर रहे हैं, लेकिन चीनी अखबारों ने उन्हें एक कॉलम की जगह तक नहीं दी। शर्म के मारे ये तक नहीं बता पा रहे कि कितने सैनिक मारे गए। अभी इसी अखबार ने एक फोटो शेयर की है, जिसे देखने के बाद चीनी विकास कार्यों और वहां के मीडिया की पोल खुल गई। ड्रोन की वीडियो तो दिखाकर चीन ऐसे इतरा रहा था जैसे नई नवेली दुल्हन घर आती है। अब इस दुल्हन के लक्षण भी देख लीजिए, जो चीनी सैनिक गधों और खच्चरों को ढो रहे हैं। ऐसा लगता है कि चीन भी अपने सैनिकों को गधा ही समझता है। अब ये तस्वीर देखिए, चीनी सैनिक गधों और खच्चरों के साथ है। चीनी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने तस्वीर शेयर की और लिखा, मिशन खच्चर। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, चीनी सेना की तिब्बती मिलिशिया परिवहन इकाइयां इस काम पर लगी हैं। दरअसल चीन तिब्बती मिलिशिया सेना को दूसरे दर्जे की नज़रिए से देखता है। उन्होंने अधिक ऊंचाइयों वाले सीमा पर स्थित कठिन वातावरण में आपूर्ति करने के लिए खच्चरों और घोड़ों का उपयोग किया। दरअसल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की रुतोग काउंटी पार्टी समिति और सरकार तिब्बती मिलिशिया सेना का इस्तेमाल खच्चर की तरह कर रही है। उन्होंने आदेश दिया है कि सैनिकों को किसी भी कीमत पर सामान और गोला बारूद पहुँचाया जाए। ये है असली चीन का चरित्र, जिनके डीएनए में ही धोखा है, बाहर से अच्छी और अंदर से गंदी। ड्रोन दिखाकर डराने वाला चीन खच्चरों के भरोसे है। यह है चीन की असलियत, जो ना तो जीते जी अपनी सेना का सम्मान करती है और ना ही उनके मौत के बाद। कोई सैनिक याक के पीछे भारतीय सीमा में घुस जाता है तो कोई सीमा पर आने से ही डर जाता है। ऐसे सैनिक चले हैं अब भारत से दुश्मनी लेने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।